कल मैंने बताया था कि महाराज श्री शरभंग होते हुए उन जंगलों में अब बस्ती की तरफ आ रहे हैं। चित्रकूट से शरभंग तक महाराज जी लगभग 4-5 हफ्ते रहे होंगे, लगातार चलते ही रहे, कहीं रुक गए, कहीं लेट गए, कहीं बैठे, कहीं चले। अब जंगलों से बाहर पहले चरखारी स्टेट पहुंचे। जैसे जंगल से बाहर आए, गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने देखा कि एक नवयुवक बहुत ही सुंदर लेकिन उन्मत्त की दशा में आ रहा है। कपड़े फटे हैं, मैले हैं, सर के बाल लंबे हैं, आंखें खुली हैं, कोई बंद होती हुई खुलती हैं। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, पैर कुछ लड़खड़ा रहे हैं, इस प्रकार आगे आ रहा है। बच्चों समझा कौन है ये, राधे राधे कह रहा है, कोई भक्त होगा लेकिन लड़खड़ा रहा है जिसे कोई शराबी लड़खड़ाता है। कुछ बच्चे गंभीर हो गए, कुछ हंसे, लेकिन महाराज श्री चलते रहे इस प्रकार। अचानक बेहोशी सी आ गई, एक वृक्ष के नीचे गिर पड़े, फिर होश आया, फिर बैठ गए, बैठे हैं, घंटों बैठे रहे। कुछ लोग ग्रामवासी आए, उसमें कुछ श्रद्धालु लोग भी थे, उन्होंने कहा कि ये कोई महापुरुष मालूम पड़ता है, कोई महापुरुष, आंखें बंद हैं, शरीर में कुछ हल्की सी दीप्ति भी है, बहुत सुंदर गौर वर्ण, और मुख से कभी कभी राधे कभी कृष्ण कहता है, कोई संत मालूम होता है। तो महाराज कुछ होश में आए तो कुछ भक्तों ने कहा कि प्रभु आप मेरे घर चलिए। महाराज ने कुछ कहा नहीं, प्रभु आप मेरे घर चलेंगे, कहा कुछ नहीं, उठ करके चल दिए। लोगों ने इसको स्वीकृति मान लिया और उनको अपने घर ले आए। पहले घर महर्षि जब आए वो भी किसी भक्त का ही घर था, वो भक्त किस कोठी का था ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक भक्त का ही घर था वो। महर्षि पहुंचे, घरवालों ने कहा कि आपके कपड़े बदल दें, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन महर्षि की मुद्रा इतनी भोली, इतनी आत्मीयता पूर्ण थी कि लोग लगता था इनको मैं हृदय से लगा लूं, अपने ही हैं, अपने ही हैं, ऐसा लगता था अपनी आत्मा ही है। तो घर वालों ने महर्षि के कपड़े बदले, शरीर पोछा गीले तौलिए से, खाने बुलाए, सामने रखा थाली में, राजी बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं, आंखें खोली, खाने को देखा, कुछ नहीं कहा। घर में एक वृद्ध महिला थी, उसको इतना भाव आया कि मेरा बच्चा है ये, मेरा अपना बच्चा, तो वात्सल भाव आया, उसने थाली में से उठाया, महाराज जी को मुंह में डाला, महाराज ने खा लिया उस कौर को, उसको खुशी हुई, फिर खिलाया, फिर महाराज ने खा लिया, उसने पूरी थाली खा महाराज को खिला दिया और परोसा और महाराज जी खा गए। एक दिन वह निवास किया उस घर में,
उन लोगों ने देखा कि महाराज जी हर समय भाव में रहते हैं, पूर्णतया नॉर्मल महाराज जी कभी नहीं रहते थे। अगर वो नॉर्मल रूप से बात भी कर रहे हैं तो भी आंखें कुछ बंद हैं, लगता है शरीर का भान बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मुख से वाणी निकल रही है। तो पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, किसका मकान है, क्या है, कुछ भक्ति करते हो क्या, ऐसी कुछ दो चार बातें, लेकिन शरीर का भान बिल्कुल नहीं। और अक्सर हा कृष्ण राधे राधे जू कह करके मूर्छित हो जाते हैं, ना दिन का पता है ना रात का पता है। महाराज जी के लिए रात और दिन बराबर था, ना रात थी ना दिन था, क्योंकि महाराज जी सोते नहीं थे कभी, लेट गए तो लेटे हैं, उसको आप विश्राम कह लीजिए, और दिन हो चाहे रात्रि हो, आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे, चार घंटे, उठ गए तो उठ गए, रात्रि का 1 बजा हो, 2 बजा हो, 12 बजा हो, कुछ भी हो। इसलिए कोई ना कोई भक्त महाराज जी के पास हर समय रहता था 24 घंटे उस परिवार का। यह बात प्रसिद्ध हो गई सरकारी स्टेट में कि एक ऐसे संत आए हैं यंग अवस्था के, 16-16.5 वर्ष की अवस्था, और हर समय कृष्ण नाम में डूबे रहते हैं। तो भक्तजन तो हर जगह रहते हैं, पर तो कुछ न कुछ तो हल्की फुल्की भीड़ भी होने लगी। महाराज जी एक दिन ऐसे ही उठे और चले गए बिना कुछ बताए। तो उन्होंने सोचा शायद कहीं बाहर गए होंगे, वापस आ जाएंगे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 1 दिन बीत गया। अब घर वाले थोड़ा सा कुछ व्यथित होने लगे, महाराज जी चले गए, महाराज जी चले गए। खैर महाराज जी दूध में लौट करके आ गए, सब लोगों ने बहुत खुशी मनाई, महाराज जी आ गए। तो कुछ भक्त लोग जो और वहां पर आया करते, सबकी इच्छा हुई कि महाराज जी हमारे घर पर भी आए। तो महाराज जी ने कुछ कहा तो नहीं, इसने इसने आज्ञा मांगी, कुछ मौन होकर कहीं स्वीकृति दे दी, ठीक है। तो वहां पर जो कुछ परिवार थे उन सब परिवारों में महाराज जी जाते रहे। इसको बंद करा दो इसको। तो उन परिवार में महाराज जी जैसे कि परिवार का ही एक अंग होता है इस पर रहने लगे। लेकिन महाराज जी के उस हाव भाव भावलीन अवस्था व्यवहार को देख के लोग उनको परमहंस जी कहते थे, परमहंस जी। इसे सुखदेव परमहंस बहुत प्रसिद्ध है, सुखदेव जी को परमहंस कहा गया है, और भागवत को भी परमहंस संगता कहते हैं कि वो संगता इसको परमहंस सुखदेव जी ने कही थी। तो उसी प्रकार महाराज भी यंग अवस्था में थे, लोग उनको परमहंस जी कहते थे, परमहंस जी, परमहंस जी हमारे घर पधारिए, परमहंस जी थोड़ा भोजन कर लीजिए। इस प्रकार महाराज जी कुछ दिवस वहां सरकारी स्टेट में रहे। वो किस समय किस घर में चले जाएंगे, कहाँ पर भोजन पाएंगे, कहाँ पर पानी पिएंगे, ये कोई निश्चय नहीं था। महाराज ने कभी अपने हाथ से खाना नहीं खाया, जिसने जितना खिला दिया उतना खा लिया, जो खिला दिया खा लिया, जब खिला दिया खा लिया। अलग महाराज के दिन में एक दिन में 2 घरों में गए, तो उनके लंच का टाइम था, तो उनके खाना खिलाया, खा लिया। वो खाना कहाँ गया पता नहीं, कहाँ गया, नहीं खाया तो नहीं खाया, जल पिला दिया तो पी लिया, नहीं पिलाया तो नहीं पिलाया, वस्त्र जो पहना दिया पहन लिया, अगर एक बटन खुल गया है, महाराज ने उसे बंद नहीं किया अपने हाथ से कभी भी, उस बटन को खुला है खुला है, किसी ने बंद कर दिया ठीक है, किसी ने उल्टा कोई बना दिया, कोई शर्ट, कोई बात नहीं,
इसके बाद देखा ही नहीं कि वो क्या वस्त्र पहने हैं, इसलिए कभी वहां पर गई नहीं। ये शर्ट है, ये कुर्ता है, ये धोती है, ये पजामा है, मैंने कोई सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं। जो लोगों ने पहना दिया, भक्तों ने, वो पहन लिया, जो खिला दिया वो खा लिया, जितना खिला दिया। मान लो कोई भक्त महाराज खिलाई जा रहा है, पूरे घर का खाना खिला दिया, 5-7 आदमियों का महाराज खा गए, खाते गए, खाते गए, खाते गए, खाते गए। तो इस प्रकार की अवस्था में महाराज जी वहां उस समय रहे। उसके आगे फिर मध्य प्रदेश में और बहुत से प्रोविंस में महाराज जी पैदल ही चलते चले गए। कोई योजना नहीं थी यहां से कहां जाना है, घर से बाहर निकले, जहां इच्छा हुई उधर चल दिए। बस्ती हो, जंगल हो, ग्राम हो, कुछ भी हो, कोई भक्त वहां मिला, आग्रह किया, उसके यहां चले गए। ये तो आगे चले गए, लेकिन ये बात वहां प्रसिद्ध हो गई थी आसपास में। तो उस समय मध्य प्रदेश में आसपास बहुत से प्रांतों महर्षि इस प्रकार भ्रमण किया, और कहीं पर भी जहां रहे, महर्षि का कोई निश्चय नहीं था कि यहाँ कब तक है, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, कब यहाँ चले जाएंगे और फिर कब वापस आ जाएंगे, ये कोई निश्चय नहीं था। तो भक्तों में एक विरह की भावना स्वतः अंकुरित महर्षि ने कर दी। किसी घर महाराज जी हैं, उनका प्यार बढ़ गया, बहुत प्यार बढ़ गया, अपने हाथ से खिला रहे हैं, बस बना रहे हैं, नहला रहे हैं, महाराज जी उसी भाव के दशा में हैं। महाराज चले गए अचानक, महाराज चले गए, आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे, आ जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक घरों के अंदर एक विरह की भावना उनके हृदयों में, उनकी उन भक्तों के हृदय महाराज जी ने प्रज्वलित कर दी स्वतः। मिलन का भाव, विरह का भाव, महाराज जी हैं तो मिलन का सुख दे रहे हैं, महाराज चले गए तो विरह का सुख उनको मिल रहा है। इस प्रकार मिलन और विरह के भाव में लोग डूबते उतराते महाराज जी के सानिध्य का अनुभव ले रहे थे, उपयोग कर रहे थे। इस प्रकार होते होते चरखारी से महोबा गए और कई प्रांतों में गए, झांसी आए, और धीरे धीरे वृंदावन की तरफ प्रस्थान करने लगे। महाराज जी की अवस्था जो प्रेम में लीन की अवस्था थी, इसका वर्णन शास्त्रों में कहीं भी नहीं है, केवल चेतन चर्ता मृत में है, अन्यत्र कहीं नहीं है। मैं संक्षेप में उसकी व्याख्या करूंगा। हमारे इतिहास में वेदों, शास्त्रों, पुराणों से मिला करके कुछ दृष्टांत आए हैं, कुछ ऐतिहासिक, जैसे कि ऐतिहासिक नाम से ऋषभ देव, सनकादिक, जनक, शुकदेव, ये सिर्फ 4 नाम ही आए हैं। ऋषभदेव की अवस्था ब्रह्मलीन की थी। सनकादिक ये 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं, और ये हमेशा नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, हमेशा अपने ब्रह्म के आनंद में लीन रहते हैं। जनक आप लोग जानते हैं, उनको विदेह जनक कहते हैं, राजपाट करते हुए वो देह में रहते हुए भी विदेह ही थे, विदेह जनक। और एक दृष्टांत आता है शुकदेव जी का, जो जन्म से ही परमहंस थे। शुकदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और जब मां के गर्भ से बाहर आए तो स्वभावतः बाहर आ गए, बिना मां को कष्ट हुए बाहर आ गए ऐसे ही, और जब बाहर आए तो 12 वर्ष के थे उस समय। उनका गौर वर्ण नहीं था, श्याम भी नहीं था, हल्का हल्का नीला वर्ण था, और आंखें उनकी बंद हैं, इधर को पाव चले चलते चले गए।
तो जन्म से ही परमहंस हैं। पर इतने ही दृष्टांत हमको शास्त्र में मिलते हैं। इतना संक्षिप्त विवरण समझ लीजिए। ऋषभ देव जी भगवान के अवतार हैं। उन्होंने ज्ञानियों और योगियों की जो अंतिम अवस्था है तुरीयावस्था, उसकी मर्यादा स्थापन की कि ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, योग की जो पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा में उस साधक का मन आत्मानुभूति में इतना लीन हो जाता है उसे बाहर का कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। और वही जब ज्ञानी योगी साधक गुरु कृपा से ज्ञानी या योगी संत बन जाता है और फिर दोबारा जो लीन हुआ ब्रह्म के अंदर, उसकी वही दशा रहती है कि अब वो तुरीयावस्था में ब्रह्म में लीन विचरण करता है। तो ऋषभदेव जी ने एक मर्यादा स्थापन की कि ज्ञान और योग की क्या मर्यादा है, क्या पराकाष्ठा है। लेकिन ये ब्रह्मलीन अवस्था है। चित ब्रह्म में बुद्धि लीन हो जाती है, वो ब्रह्मलीन अवस्था है। जैसे कि आप सोते हैं तो सपना दिख रहे हैं, फिर और गहरे तरह में सो गए सुषुप्ति में, वहां पर आप कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन सो रहे हैं पूर्णतया, कुछ देख सुन नहीं रहे हैं, पूर्णतया लीन हो गया आपका मन। ऐसी आप समझ लीजिए कि ऐसी दशा होती है कि जब बुद्धि और सारी इंद्रिया शमित हो जाती हैं और वो लीन हो जाता है उस ब्रह्मानंद में। यह ब्रह्मलीन अवस्था है। तो ऋषभदेव जी का तो अवतार था, उन्होंने इसकी मर्यादा स्थापन की ज्ञानी और योगी की। अब ये सनकादिक ये वैकुंठ लोकवासी हैं। मैं अत्यंत से बता रहा हूं, सनकादिक भी चिद ब्रह्म के आनंद में लीन रहते हैं। भगवान कितने स्वरूप हैं, प्रत्येक स्वरूप सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंदमय भगवान विष्णु भी हैं, भगवान राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, वो सचिद आनंद के स्वरूप ही हैं। सो चिद शक्ति हरेक में है। महाविष्णु की शक्ति को संदनी शक्ति कहा गया है। तो संदनी शक्ति के अंतर्गत जो चिद शक्ति है, उचित शक्ति के का जो आनंद है, उस आनंद में ये परमहंस लीन रहते हैं, सनकादिक परमहंस। विदेह जनक जो आह्लादनी शक्ति के अंतर्गत चित्त तत्व है, उसके आनंद में लीन रहते हैं, उनकी अवस्था ऊंची है थोड़ी। और सुखदेव जो प्रेम तत्व में चिद शक्ति है, उसके आनंद में लीन थे जब उन्होंने भागवत के श्लोक का श्रवण किया एक। तो ये सारे परमहंस लगता है कि ब्रह्म में लीन है, लेकिन फिर भी जो उनकी ब्रह्म लीन अवस्था है उसमें अंतरंग रूप से तारतम्य है, एक से एक उत्कृष्ट है। सनकादिक से जनक उत्कृष्ट हैं, सनक और जनकादिक से सुखदेव जी उत्कृष्ट हैं, लेकिन ब्रह्मलीन सब है, सब चित ब्रह्म में लीन है। अब सुखदेव जी को आप ले लीजिए, बहुत प्रसिद्ध उनकी समाधि का वर्णन है, बहुत प्रसिद्ध है कि वो समाधि में लीन थे। जिन्होंने जब जन्म लिया, जन्म से ही वो समाधि में लीन थे, जंगलों में चले गए, कहीं पर गिर पड़े, वहीं बैठे रह गए, लेटे रह गए, कितने वर्षों तक पता नहीं। उन्हें एक बार होश आया जब वेदव्यास जी ने भागवत का निर्माण किया, तो सोचा कि भागवत का मैं पाठ किसको कराऊं,
कोई हमारा शिष्य इसको ग्रहण नहीं कर सकता, इसके तत्व को। शब्द ग्रहण तो कर लेगा लेकिन भागवत तत्व का ग्रहण कोई शिष्य और नहीं कर सकता है, केवल सुखदेव जी ही कर सकते हैं। उनको बुलाएं कैसे, वो ब्रह्म में लीन है। तो उन्होंने एक श्लोक अपने शिष्य को याद करा दिया, एक और याद करा दिया दो श्लोक, और कहा जाकर के तुम श्लोक का गान करना जहां सुखदेव जी पड़े हुए हैं। तो वो श्लोक का गान वो शिष्य करने लगा। अहो वकीयं स्तन काल कूटं जिघांसया पाययदप्य साधि लेभे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। उसने इसके पहले एक श्लोक का गान और भी किया था, लेकिन जब इस श्लोक का ज्ञान किया तो सुखदेव जी ने आके पूरी खोल दी। उसके पहले उन्होंने गान किया था, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपुषम वर्ययन्ती चमालम चंद्रान वेणो रजर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक को सुनने पर सुखदेव जी ने आंखें खोली फिर बंद कर ली। जब दूसरा श्लोक सुना तो आंखें खोली और खोले रह गए और मुख से कहा कि भैया ये श्लोक आपने कहां से याद किया है, इससे हमको बहुत आनंद आ रहा है। उस शिष्य ने कहा कि ये श्लोक माय गुरु जी ने बताया है, उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं, आप मेरे साथ चलिए उनसे आप सीख लीजिए। इस प्रकार सुखदेव जी विदव्यास जी के पास में आए और संपूर्ण भागवत को सुना। अब इस श्लोक में क्या है, इस श्लोक के अंदर अब देखिए सुखदेव जी चित ब्रह्म की समाधि में लीन है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की जो कृपा है, करुणा है, जो करुणा रस है, उसका जो आनंद है वो उसके अंदर समाहित है। तो जब उस करुणा रस के आनंद का उन्होंने अनुभव किया, आंखें खुल गई। सिर्फ श्री कृष्ण के कृपा का एक स्वरूप, एक गुण है, एक वर्चु श्री कृष्ण के, एक वर्चु यानी श्री कृष्ण के एक गुण को सुन करके सुखदेव जी की समाधि उद्बुद्ध हो गई। एक गुण को सुन करके उस गुण में कितना रस है, कितना आनंद है, ये वाणी के परे का विषय है, अनंत आनंद है एक गुण श्री कृष्ण का। अब आप आइए महर्षि की लीन अवस्था को। मैंने बतलाया था कि चैतन्य महाप्रभु जी ही जब संन्यास ले रहे थे और देखा कि जीवों को अब हमारे स्पर्श का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा तो संकल्प किया मैं पुनः आऊंगा, तो पुनः इस प्रकार से प्रकट हुए। तो चेतन महाप्रभु जी ही जब दोबारा प्रकट हुए तो उनका इस बार मैं राधा और कृष्ण का समृद्ध स्वरूप के रूप में प्रकट होऊंगा, यानी महर्षि राधिका जी हैं और श्री कृष्ण भी हैं, इसकी जैसी भावना हो उस प्रकार का देख सकता है। दोनों का सम्मिलित अवतार है राधा और कृष्ण का। अब राधा कृष्ण तो समस्त गुणों के अधिष्ठान है, समस्त गुण उनके अंदर रहते हैं और उन्हीं के एक गुण को लेकर के सुखदेव जी की समाधि भंग हो चुकी थी। तो जब उन समस्त गुणों के अधिष्ठान हैं, वो प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण भी कभी कभी अपने स्वयं भाव त्रेक में समाधिस्थ हो जाया करते हैं। स्वयं
हमारा शिष्य थी। यानी प्रिया प्रीतम राधिका जी ने श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण राधिका जी को देखा, या बिना देखे ही स्मरण किया, या कुछ सोचा, भाव द्रेक हुआ स्वतः। इस समुद्र में वो तूफान आता है हल्का सा, और उस भाव ने बुद्धि को समाहित किया, तो स्वतः सहज भाववश अंतरंग अनंत समाधियों में उनकी बहुत सी अवस्थाएं हैं इस प्रकार की। कभी कभी वो लीन हो जाते अपने भाव में, तो उस भाव की अवस्था थी जो महाराज जी की लीन अवस्था थी, इसलिए उसका वर्णन किसी शास्त्र में नहीं है। हाँ, उसका कंपैरिजन चेतन महाप्रभु जी से हो सकता है कि वो हमेशा राधा भाव में रहते थे। उसके अतिरिक्त और कोई एग्जाम्पल अपने हिस्ट्री में नहीं है। और सुखदेव जी, उनकी समाधि तो श्री कृष्ण के एक गुण को देख करके उद्बुद्ध हो गई थी, और उन समस्त गुणों के जो भंडार हैं वही जो अपने भाव में और समाहित होकर विचरण कर रहे हैं, तो उनकी अवस्था को कोई क्या बता सकता, क्या कह सकता है। लेकिन ये अवस्था उस समय थी। उसी अवस्था में महर्षि वहां से होते हुए घूमते हुए ब्रज की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ब्रज में उस समय श्रावण का महीना था, और श्रावण में ब्रज में वो काफी उत्सव होता है। प्रत्येक मंदिरों में झूलन उत्सव होता है, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, झूला डालते हैं, या फिर लोग बाहर से बहुत आते हैं, दर्शन करते हैं, राशि लाएं होती हैं। यानी यह प्रमुख उत्सव है वृंदावन का, बरसाने का, ब्रज का झूलन उत्सव श्रावण के महीने में। उसी महीने में महाराज श्री और अपने उसी भावोन्मत्त अवस्था में प्रवेश करते हैं वृंदावन। वृंदावन आए, वृंदावन में प्रवेश किया, राधे राधे हा राधे राधे जो श्याम कृष्ण 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 आके ऐसे अचानक एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। श्रावण के महीने में बहुत से भक्त लोग आते हैं, इस समय तो लाखों आते हैं, उसमें भी कम से कम कितने हजार लोग आया करते थे। और उसमें वृंदावन बहुत बृहद नहीं था, इतना भी हो गया है, बहुत छोटा सा गांव तो नहीं था, लेकिन एक छोटा सा शहर जैसा था। कुछ भक्तगण जा रहे थे, देखा एक तेजस्वी मूर्ति बैठी हुई है पास में, आए और कहा कि आप कहाँ ठहरे हैं। महाराज ने कुछ नहीं कहा, उन्हीं का तो स्थान है, उन्हीं का धाम है। तो उन्होंने कहा कि आज्ञा हो तो यहाँ पास में धर्मशाला है, वहां आप रह सकते हैं। महाराज उठे और चल लिए। तो उसने दौड़ करके मैनेजर से कह करके ग्वालियर वाली धर्मशाला में एक कमरा महाराज को दे दिया, बिस्तर बिछा दिया, और कहा कि प्रभु आप यहाँ निवास करें, हमारा भी सौभाग्य है कभी कभी आपके हम आपके दर्शन क्रिया करेंगे। महाराज उस कमरे में रह गए। वो भक्त उसने देखा कि महाराज जी बार बार हा कृष्ण कहते रहते हैं, लगता है कोई परम कृष्ण भक्त हैं। जाके भाग करके एक तस्वीर ले आया राधा कृष्ण श्री कृष्ण की, उसका टाइटल था मनहर गोपाल, श्री कृष्ण का छोटा एक चित्र, और ला करके महाराज जी कमरे में कीलों से लगा दिया। कहा कृष्ण भक्त हैं, एक चित्र भी यहाँ पर होना चाहिए। और महाराज जी उस कमरे के अंदर रह गए। लेकिन उनके लिए रात्रि और दिन फिर भी कुछ नहीं था, कभी दो बजे रात्रि को ही बाहर निकल गए, सिवाकुंड चले गए, तितवन चले गए, यमुना किनारे चले गए, कभी दिन में चले गए। पर जहां भी जिस स्थान पर गए तो वहां पर श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं की थी, राधिका जी ने जो जो लीलाएं की थी, उस लीलाओं से
एक ही भूत होते हुए महर्षि भावावेश में आ जाया करते थे। तो लोगों ने देखा कि एक बहुत ही यंग हैंडसम और पूर्णतया राधा कृष्ण के प्रेम में लीन कोई अलौकिक पुरुष है। महाराज किसी से बोलते नहीं थे, बस अपने भाव में रहते थे। कहां पर गए, कहां बैठे, कुछ खाया पिया भी नहीं कभी, क्योंकि बस लोग तो अशुक्रिया लोगों ने तो इस प्रकार ये बात वृंदावन में प्रसिद्ध हो गई कि एक संत ऐसे आए। महाराज जी का चित्रकूट से और यहां वृंदावन के आगमन तक लगभग 2 वर्ष बीते थे। 1940 की बात है जो महाराज जी वृंदावन में आए थे श्रावण के महीने में। ये बात जब प्रसिद्ध हो गई, यही प्रसिद्ध हो गई, वो किसी से बोलती भी नहीं है। कभी कभी कुछ गुनगुनाते हैं, कभी कोई श्लोक बोलते हैं, कभी एक दो पंक्ति नाम संकीर्तन करते हैं अपने भाव में, कोई चुप हो जाते हैं, कोई बेहोश हो जाते हैं। तो ये बात, इस बात का चर्चा पूरे ब्रजमंडल में हो गया। उसमें आगरा में एक भक्त रहते थे जानकी प्रसाद माथुर, उनको गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राय साहब की पदवी दी थी। राय साहब जानकी प्रसाद माथुर, उनके सीकरी स्टेट में काफी बड़ी जमींदारी थी, संभ्रांत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी रुचि थी सब संतों की सेवा करने की। जो कोई संत ब्रज में आता था जाके उसकी सेवा करते थे, उसका सत्संग करते थे। तो किसी ने उनको इन्फॉर्म किया, उनको बताया यहाँ संत ऐसे आए हुए हैं। अब जानकी प्रसाद को एक लौल्य हो गया, अरे ऐसे संत जो 24 घंटे भाव में रहते हों, किसी से बात नहीं करते हों, चल के दर्शन करना चाहिए। तो उनके एक मित्र थे मथुरा में, इंजीनियर, उनके पास में आ गए मथुरा। उसको टेलीफोन तो था नहीं, सौभाग्य से उन इंजीनियर के दामाद भी आए हुए थे इलाहाबाद से। उन दामाद जी का नाम था लक्ष्मण स्वरूप भटनागर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडवोकेट थे। वो भी कृष्ण भक्त थे। तो ये तीनों भक्त अब सलाह कर रहे हैं जल्दी जल्दी कब वहां पहुंचे और उन संत के हम दर्शन करें, उन अलौकिक संत के दर्शन करें। तो दूसरे दिन पहला काल चल दिए तीनों व्यक्ति यहां से, दंगा किया और वृंदावन में आए। और जो पता उनको मालूम था बोलीवाड़ी धर्मशाला, वहां पर गए, उस कमरे को देखा, कुछ द्वार खुला पड़ा है, कमरे में कोई नहीं है, लेकिन बाहर बरामदे में कोई बालक तैर रहा है, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, बाल उलझे हुए हैं। पूछा कि इस कमरे में कोई परमहंस जी ठहरे हुए हैं? बालक ने कहा कि हाँ। तो फिर वो परमहंस जी हमें कब मिल सकते हैं? उस बालक ने फिर कहा कभी भी, तो तुम्हारी इच्छा हो बस। अरे कुछ बोले नहीं, फिर अपने आंखें बंद हैं। वो समझे नहीं, कुछ देर बैठे रहे वहां पर, वापस चले आए। फिर दोबारा गए, फिर तीसरी बार गए, तो क्या देखा कि वही बालक जो बाहर उनको मिला था, वही बालक का उस बिस्तर पर बैठा हुआ है। बहुत पश्चाताप, अरे हमने पहचाना नहीं अपने प्रभु को, हमने उनको एक कोई ब्रज का बालक समझा। तो खैर साथ में कुछ खाने को भी ले गए थे लोग। महाराज जी पलंग पर बैठे हुए हैं, मतलब परमहंस जी, सामने चित्र लगा हुआ है मनहर गोपाल का। ये लोग वहां पहुंचते हैं, महाराज ने कोई नोटिस नहीं किया कौन आया कौन नहीं आया, चित्र को देख रहे हैं। हा कृष्ण, और बेहोश हो गए ये तीनों व्यक्ति।
और ध्यान से महर्षि को देख रहे हैं। भक्तत्व से ही भक्त हृदय था इनका। अब उस हा कृष्ण में उनको क्या लगा, जैसे कि उनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम प्रवाहित हो रहा है और वो प्रेम श्री कृष्ण का जो श्री कृष्ण प्रेम है महर्षि के द्वारा ही आ रहा है। कुछ देर महर्षि को होश आया तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप दर्शनार्थ आए थे, कुछ प्रसाद आप पाएंगे? महर्षि ने हल्की स्वीकृति दी तो उन्होंने थाली में परोसा। महाराज जी ने खा लिया उसको। इशारे पहली बार महाराज जी ने 2 वर्ष के बाद अपने हाथ से भोजन किया होगा। यहां से महाराषि के जीवन का तृतीय परिच्छेद प्रारंभ होता है। इन 2 वर्षों में महाराज जी ने उस भाव समाधि, उस भाव राज्य, उस प्रेम की पराकाष्ठा की स्थापना की, ये भी सिद्ध किया कि हमारा शरीर दिव्य है और ये जो प्रेम की अवस्था है यही मेरी वास्तविक अवस्था है। अब महाराज जी को प्रेम जीवों को वितरण करना था तो उन्होंने सोचा कि अब इस प्रेम को कुछ शमन कर लें। तो शायद पहला मौका था 2 वर्ष के बाद महाराज जी ने अपने हाथ से भोजन किया। जो कुछ वो लाए थे सब खा गए, जो पानी लाए थे पानी भी सब पी गए। उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो कांगा ले आए, आप मेरे घर पर पधारे। महाराज का बड़े खुशी, महाराज मेरे घर पर आ रहे हैं मथुरा में, कांगा लाए। महाराज संकल्प किया कि अब इस प्रेम का दान जीवों को करना चाहिए। आके कूद के तांगे बैठ गए अगले सीट पर। लड़के से थे ही, जवान थे, तांगा आगे चला। जब तांगा आगे चला वृंदावन छोड़ने के पहले ही रुको 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 तांगा रुको तांगा रुका। पांच तांगे से उतरे और एक साइड की तरफ गए। ये लोगों समझा शायद महाराज जी ऐसे उतरे होंगे दर्शन करवाने के लिए, शायद या पता नहीं अभी आ जाएंगे। लेकिन महाराज जी किनारे पर गए, एक सुंदर वृक्ष था उसको पकड़ करके रोने लगे। राधे राधे कृष्ण कृष्ण, यहां वृंदावन के बाहर जा रहा हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगा। इस प्रकार कह करके वृक्ष को चिपका करके कुछ देर रोते रहे, फिर वहीं पर बैठ गए। फिर आंख खोली, उठे, आगे तागे में बैठ गए। ये घटना 1-2 बार हुई रास्ते में। महाराज जी मथुरा आ गए तो लक्ष्मण स्वरूप जी को नियुक्त किया गया था कि आप महाराज जी की सेवा में रहिए हर समय 24 घंटे, जो उनको आवश्यकता हो उसकी आप पूर्ति कीजिए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया महाराज जी से कि महाराज जी आप स्नान करेंगे। मैंने देखा स्नान समाज भी करते ही नहीं थे, कभी आवश्यकता नहीं पड़ी 2 साल के अंदर। कभी नदी में अगर कूद गए बाहर आ गए तो स्नान स्वतः अपने आप हो गया, पर स्नान कभी किया हो स्वेच्छा से तो कभी हुआ ही नहीं पिछले 2 वर्षों के अंदर। मैंने सब देखा तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। तो खुद महाराज जी को बाथरूम में ले गए, स्नान कराया। कृष्ण स्वरूप जी ने वस्त्र बदले, सफेद वस्त्र, कुर्ता धोती, सोने के बटन वाला कुर्ता। महाराज के बाल लंबे हो गए थे 2 वर्ष में, उलझे हुए थे, कितनी धूल भरी हुई थी, सब बज रही थी। तो फिर पूछा कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ आप ये बाल कटवा दें।
राजा ने कुछ कहा नहीं, कुछ कहा नहीं तो इसका मतलब स्वीकृति है। नए को झट से बुलाया और इंग्लिश कट महाराज का बाल कराया। अब महाराज जी का जो है बहिरंग स्वरूप कुछ परिवर्तित हो गया, बाल कटे हुए हैं, कंघा किया हुआ है, स्नान करके वस्त्र पहने हुए हैं। मैंने कुछ सामान्य वार्तालाप की, तुम लोग कहां पर हो, क्या करते हो, कैसे रहते हो। क्योंकि महाराज जी ने अपने आप को कुछ अपने भावों को कुछ छिपा लिया था। अगर उस भाव में ही रहते तो कभी किसी जीव से विशेष वार्तालाप कर ही नहीं सकते थे। तो जीव कल्याण करना है इस हेतु अब अपने भाव को कुछ कम भी करना है, कुछ व्यवहार भी करना है, इसलिए भाव को छिपाते छिपा करके और उन्होंने अपने उस रस को प्रकट करने का दृश्य किया। उसके पश्चात सायंकाल सत्संग रखा गया। अब सोचिए कि उस सत्संग में महाराज जी का पहला सत्संग था, महाराज जी फॉर्मली आकर के सिंहासन पर बैठे और नाम संकीर्तन प्रारंभ किया। भजो गिरधर गोविंद गोपाला, पहला नाम संकीर्तन। लोगों ने जैसे ही पहला वाक्य सुना, भजो गिरधर, जैसे उनके हृदय में कोई वस्तु आ रही है। सब ब्रजवासी तो थे ही, मथुरा के वासी, कितने ही संतों का उन्होंने संग किया था, संत का संत वेश में कितने ही साधकों को उन्होंने संग किया था, और उनको ये पता था ही कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ये पूर्ण अवतार है, प्रेम अवतार है। तो जब महाराज जी के मुख से ये संकीर्तन निकला, बोलो गिरधर गोविंद गोपाल, तो ऐसा लगा कि साक्षात गिरधर गोविंद गोपाल का रस प्रवाहित हो रहा है और उनके हृदय में आ रहा है। अब इसके आगे जो कुछ हुआ मैं आपको कल बताऊंगा। बोलो राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाना धाम की, ब्रज धाम की, मनगढ़ धाम की, जय श्री।